मुबारक हो बीएमसी, बीएमसी बहुत मुबारक हो, अभिनंदन हो। आपने कोर्ट के आदेश के बाहर जाकर, कोर्ट के आदेश को ना मानते हुए भी कंगना का ऑफिस तोड़ा। नो नो नो, कंगना का मैं ना फैन हूँ, ना पैरवी कर रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ। बेवकूफ़ी भरा दिमाग में कुछ इमोशन मत लाना, मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये पूछना है कि आप लोगों को इतनी फुर्सत मिल जाती, इतने जल्दी आप पहुँच जाते हो इलीगल किसी का कंस्ट्रक्शन तोड़ने के लिए, और वो भी तब जब वो बना दिया गया। तब कहाँ थे आप? जब बन रहा था तब कहाँ थे? बनने के 8-9 महीने बाद, 1 साल बाद आपको याद आता है कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि आपको किसी ने इलीगल तरीके से तोड़ने के लिए बोला है। अरे शर्म करो भाई, शर्म करो। बीएमसी वालों, आम जनता के टैक्स से तुम्हारा पगार जाता है, और तुम आम टैक्स जनता की जो नाक में दम करते हो। एक गरीब रेडी वाला बेचारा रोड पर अपने बच्चों को पालने के लिए चने मुरमुरे की दुकान लगाता, उसकी रेड़ियाँ तोड़ जाते हो तुम लोग। एक गरीब आदमी हॉस्पिटल के बाहर नो पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाता है, ठीक है, तो उसकी गाड़ी उठा कर ले जाते हो तुम लोग। एक झोपड़े में रहने वाला बंदा जिसके घर में ऑलरेडी 6-7 लोग हैं, अगर उसने गलती से अपने ही झोपड़े के ऊपर एक छत बना ली, कुछ कर लिया, तो आप उसको तोड़ने आ जाते हो। तो भाई साहब, जो 90,000 से ऊपर हिंदुस्तान में इलीगल कंस्ट्रक्शन है, शरद पवार जी ने जो बोला है, उनकी बात तो समझते हो ना? उनकी बात तो समझ में आती है ना आपके? शरद पवार जी क्या बोलते समझ में आता है ना आपके? आप तो खूब समझते हो। तो भाई साहब, वो भी तोड़ो। क्यों क्यों नहीं तोड़ोगे वो? और तोड़ने की बात तो बाद में आती है, बनाने क्यों दिया आपने? इसका मतलब कि बनाने में आपका कोई झोल था, बनाने में कोई झोल था आपका। मेरे बिल्डर ने जब मुझे लीडो टावर सांता क्रूज वेस्ट शाहरुख खान के ऑफिस के पीछे, गौरी डिज़ाइन के पीछे, जब मुझे फर्स्ट फ्लोर पे पहली बार जब मैं रहने आया, तो मुझे उसने बोला कि आप फर्स्ट फ्लोर का, आपका गार्डन भी आप ही का है। और जब मुझे देखा देखे सारे बिल्डिंग के लोग रहने आए, तो उनको उस गार्डन से आपत्ति होने लगी। वो कहने लगे नहीं, ये तो सार्वजनिक है। मैंने कहा भाई मेरा है। बिल्डर ने कहा कि यार मैंने तो लिख के नहीं दिया आपको, क्योंकि वो तो ऑब्वियस है कि वो आप ही का है। 10 साल केस लड़ा मैंने, बीएमसी वालों ने मुझे परेशान कर दिया कि यहाँ पर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, फला नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। 10 साल कोर्ट का केस लड़ा हूँ मैं, तब जाके फेवर में मेरे फैसला आया है। या बिल्डिंग वालों ने हार मानी। दुनिया का सबसे बड़ा सीसीटीवी है ऊपर वाला, कोई तुम्हें समझाने नहीं आएगा, कोई तुम्हें बताने नहीं आएगा। लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम्हारे इस तरह के कामों की सज़ा तुम्हें अपने खुद परिवार में और खुद में मिलने लगे, तो याद रखना तुम्हें फिर कोई बचाने भी नहीं आएगा, कोई नहीं बचाने आएगा। बीएमसी मेरी नज़र में, इसका फुल फॉर्म में पारिवारिक समझता हूँ, बी मतलब बहन, एम मतलब मदर, माँ, और सी मतलब चाची। मैं इतना सम्मान करता हूँ बीएमसी के नाम का, लेकिन आपने गलत फ़ायदा उठाया बीएमसी के नाम का। कंगना रनावत मेरा टारगेट नहीं है, कंगना रनावत के फेवर में भी नहीं हूँ मैं, नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे सिर्फ आपके नियत पे शक है, और अब आपने खुद ही मुंह खोल दिया है। अब देखना देश और दुनिया आपसे कैसे जवाब मांगती है। जिनसे पगार लेते हो उनके उनके तो हो जाओ, जो तुम्हें टैक्स भर के तुम्हारा घर चलता है, परिवार चलता है, तुम जीते हो। उफ़।